तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। उसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जब हमने पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ा तो लास्ट में एक बात सीखा कि बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स अपने बेनिफिट्स के लिए पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं जस्ट टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इवन इंटर जेनरिक डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं सिंपली बाय मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है हमको इस बात का। बहुत सारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में, जैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करानी हो, कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर हमको चाहिए, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप या किसी पर्टिकुलर प्लांट के हाइब्रिड सीड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं कॉमर्शियल स्केल पे, तो हमारे पास एक बेहतर नॉलेज होनी चाहिए या प्लांट ब्रीडर्स के पास एक बेहतर नॉलेज होनी चाहिए किसके लिए, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के लिए। और उसी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के लिए बहुत बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एम क्या है, इसका पर्पज क्या है, क्या ज़रूरत है या क्या फ़ायदा मिलता है हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, उसकी एक वैरायटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकली ए, और इसी प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है हमारे पास प्लांट बी। और ये जो ए है, ए वैरायटी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। और लो प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद इस बी वैरायटी में डिजीज रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है, जबकि इसमें ए वैरायटी में डिजीज रेजिस्टिविटी बहुत लो है। तो हमने सिर्फ लिखा है दो प्लांट्स के वैरायटीज, ए वैरायटी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, डिजीज रेजिस्टिविटी बहुत कम है, यानी कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी इसकी बहुत कम है। कोई भी पैथोजन बड़ी आसानी से इस पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसको डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये इसी प्लांट की जो दूसरी वैरायटी है, इसकी प्रोडक्टिविटी भले कम है लेकिन इसकी डिजीज रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, कोई भी पैथोजन बड़े आसानी से इस पर इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों ही वैरायटीज़ का यूज़ करके एक ऐसा नया प्लांट बनाऊँ जो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो, यानी उसमें एक इस वैरायटी का करेक्टर आ जाए, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और इस प्रोडक्टिविटी को घटने भी ना दे, यानी कि इसमें डिजीज रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, हाई हो जाए, यानी कि इस प्लांट वैरायटी का ये वाला करेक्टर भी आ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक नया प्लांट मैं बनाऊँ और इस नए प्लांट में दो इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हों, एक इस वैरायटी का करेक्टर हो यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो, और एक इस वैरायटी का ट्रेट या करेक्टर आ जाए यानी कि इसकी डिजीज रेजिस्टिविटी भी क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। यानी मैं चाहता हूं कि ये जो नया प्लांट बने, इस प्लांट में इस वैरायटी का ये एक करेक्टर हो यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो इसकी, और इस नए प्लांट में इस वैरायटी का एक सुपीरियर ट्रेट या करेक्टर हो यानी कि इसमें डिजीज रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई हो। अब एक प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। इस वैरायटी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, इसकी डिजीज रेजिस्टिविटी कम थी। इसका सुपीरियर करेक्टर क्या था, इसमें अच्छा एक बेहतर करेक्टर क्या था कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, लेकिन डिजीज रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी को पैथोजन्स इन्फेक्शन कॉज करके डैमेज करके घटा दे रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक बेहतर करेक्टर है, एक नया प्लांट पे बनाऊँ उसमें ये करेक्टर आ जाए
और ये करेक्टर भी रहे, यानी कि इस वैरायटी का ट्रेट रहे, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को पैथोजन्स, इन्फेक्शन या डैमेज करके घटा ना पाए। यानी ये प्लांट जो मैं चाहता हूं कि बने, ये इन दोनों प्लांट से क्या हो, बेहतर हो। यानी मैं चाहता हूं कि जो नया प्लांट बने ये दोनों ही प्लांट से क्या हो, सुपीरियर हो, ये सुपीरियर प्लांट हो, क्योंकि इस प्लांट में इस वैरायटी का बेहतर करेक्टर होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन इसमें रेजिस्टिविटी कम थी, इसके पास हाई डिजीज रेजिस्टिंग पावर है, तो ये प्लांट इस वैरायटी से बेहतर होगा। इसी तरीके से इसमें प्रोडक्टिविटी कम है, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो वैरायटी बी से भी ये जो नया प्लांट है वो क्या होगा, सुपीरियर होगा। ये मेरा एम है, या फिर ये मैं चाहता हूँ कि ये जो नया प्लांट हो वो इन दोनों प्लांट का क्या हो, सुपीरियर हो, इन दोनों प्लांट का क्या हो, सुपीरियर हो। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से हम इस पर्टिकुलर प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनीज प्रोड्यूस होती हैं वो अपने दोनों ही पेरेंट की क्या होती हैं, सुपीरियर होती हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर ये प्लांट जो है ये फीमेल प्लांट है, तो एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फीमेल प्लांट जो है ये फीमेल गैमीट बनाएगी, और अगर ये डिप्लॉयड है तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब मियोसिस होगी, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होगा, तो गैमीट्स के अंदर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट चला जाता है। यानी कि इस गैमीट के अंदर इस प्लांट वैरायटी या इस पेरेंट के सारे करेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल करने वाली जीन्स होंगी, इस सेल बायोलॉजी से हम लोग जानते हैं। अगर हम इस डिजायर्ड या इस सुपीरियर करेक्टर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो सुपीरियर करेक्टर या ट्रेट है इसको कंट्रोल कर रही है एक जीन, और उसको हम लिख रहे हैं ए, तो इसके गैमीट के पास ये ए जीन जरूर होगी। इसी तरीके से अगर हम इस करेक्टर की बात करें, इस डिजायर्ड या सुपीरियर करेक्टर की, और हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रेट या करेक्टर जो है इसको कंट्रोल कर रही है एक जीन, और उस जीन उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या करेगी करेगा मेल पेरेंट, तो ये मेल गैमेट सब बनाएगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, तो इसमें सारे करेक्टर से ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाली जीन्स या एलील्स जरूर प्रेजेंट होंगी। यानी कि इसमें बी प्रेजेंट होगा और इसमें ए प्रेजेंट होगा, और आपको ये पता है कि ये दोनों ही गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बोलेंगे जाइगोट। और एक बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि ये जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में ये वाली गैमेट भी होगी और ये वाला गैमेट भी होगा। यानी कि जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं तभी ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बन रहा है। यानी इन दोनों गैमेट्स के जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आकर के यहाँ पे इंटरमिंगल्ड हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे। यानी ये वाली गैमेट जब आएगी तो इसमें ए करेक्टर भी आ जाएगा, और जब ये गैमेट मिक्स होगी या इसके जब जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिक्स होंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। यानी जाइगोट के अंदर ए और बी दोनों ही एलील्स होंगी, यानी इसके करेक्टर को कंट्रोल करने वाली भी और इस पेरेंट के करेक्टर को कंट्रोल करने वाली दोनों एलील होंगी। और इस जाइगोट से जब नया प्लांट बनेगा तो इस नए प्लांट में ए और बी दोनों ही करेक्टर होंगे। जैसे कि अगर हम ए को बोल रहे हैं हाई प्रोडक्टिविटी और बी को बोल रहे हैं हाई डिजीज रेजिस्टिविटी, तो इसमें ए भी है यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें बी भी है यानी कि इसकी डिजीज रेजिस्टिंग पावर भी बहुत क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो नया प्लांट बनेगा उसमें ए करेक्टर भी है यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी भी है, और इसमें बी करेक्टर भी है यानी कि हाई डिजीज रेजिस्टिविटी भी है। यानी कि ये जो नया प्लांट है उसमें ये एक बेहतर करेक्टर है, और इस नए प्लांट में ये एक और बेहतर करेक्टर आ गया, यानी कि इस प्लांट से सुपीरियर है ये प्लांट। इसी तरीके से ये प्लांट इस प्लांट से भी या इस पेरेंट से भी क्या होगा, सुपीरियर। और ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोजनीज प्रोड्यूस होती हैं वो दोनों ही पेरेंट की सुपीरियर होती हैं, क्योंकि किसी एक पेरेंट में उसके करेक्टर की एलील या जीन होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स
प्रेजेंट होते हैं उनसे प्रोड्यूस्ड प्रोजेनीज में। जैसे कि यहाँ पे दोनों करेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, ए और बी, यानी हाई प्रोडक्टिविटी और हाई डिजीज रेजिस्टिविटी। यानी कि ये जो एक नया प्लांट बन रहा है इसमें दो करेक्टर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, हाई प्रोडक्टिविटी वाले और हाई डिजीज रेजिस्टिविटी वाले करेक्टर। तो ये जो नया प्लांट बन रहा है इस नए प्लांट को मैं बोलूंगा हाइब्रिड प्लांट, इसको मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिड प्लांट। और इस हाइब्रिड प्लांट के प्रोडक्शन को मैं बोल रहा हूँ, या हाइब्रिड प्लांट के फॉर्मेशन को मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड किसे बोलेंगे जिसमें दो करेक्टर या कई सारे करेक्टर्स आपस में क्या हो, मिक्स हो। तो इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर इस प्रोडक्ट को हम हाइब्रिड प्रोडक्ट बोल रहे हैं जिसमें दो करेक्टर मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसको दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि ये जो नया प्लांट बन रहा है इसमें इन दोनों पेरेंट्स के करेक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं, इस वजह से इस नए प्लांट को मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें दो करेक्टर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उसको मैं हाइब्रिड प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, या जो नया प्लांट बन रहा है जिसमें करेक्टर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उसको हम हाइब्रिड प्लांट बोल रहे हैं। तो इस मिक्सिंग ऑफ करेक्टर को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ करेक्टर को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, स्पेसिफिकली उन करेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सुपीरियर हैं, क्योंकि ये एक करेक्टर हमने लिया था इस करेक्टर से हमको मतलब नहीं है, ये एक करेक्टर लिया था इस करेक्टर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये करेक्टर जो है ये खराब करेक्टर है, ये करेक्टर जो है ये बेकार करेक्टर है, ये एक बेहतर करेक्टर है और इस वैरायटी में ये एक बेहतर करेक्टर है। तो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स को हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली उन करेक्टर्स की मिक्सिंग की जो क्या है, सुपीरियर है, जो मैं चाहता हूँ, यानी कि जो क्या है, डिजायरेबल है, डिजायर्ड है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को मिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ डिजायर्ड सुपीरियर करेक्टर्स, डिजायर्ड सुपीरियर करेक्टर्स की मिक्सिंग को या इंटरमिंगलिंग को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये मैन मेड है, मैन ड्रिवन है, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम लोग एक और टर्म यूज कर देंगे यहाँ पे, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग या इंटरमिंगलिंग ऑफ डिजायर्ड सुपीरियर करेक्टर को बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब जब हम खुद अपने डिजायर के बेसिस पे अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करें, यानी कि वो टोटली मैन ड्रिवन या मैन मेड हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस मिक्सिंग ऑफ करेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमको प्लांट में कराना है स्पेसिफिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करेंगे और उनसे गैमीट्स जो हैं उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में फ्यूज कराएंगे, और विद द हेल्प ऑफ द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड गैमीट हम लोग डिजायर्ड हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये जो प्लांट है ये मेल प्लांट है, तो इस मेल प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है इसको हम इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे डिपॉजिट करा दें या स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि इस पॉलन ग्रेन को हम मेल, इस पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, इसके अंदर मेल गैमीट है, और अगर ये मेल गैमीट है तो इस मेल गैमीट की तरह इस वैरायटी के सारे ट्रेड या करेक्टर्स इसमें होंगे, और अगर हम इस फीमेल के ऊपर इस पॉलन ग्रेन को शेड कराएं या फिर डिपॉजिट करें इसके स्टिग्मा पे, तो जब वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, तो यही वाली सिचुएशन बनेगी कि दोनों करेक्टर को या ट्रेड को कंट्रोल करने वाले जाइगोट के थ्रू हमको एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को प्लांट्स में। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है इसका मेन एम या पर्पज है जस्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इंटर जेनेरिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिजायर्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाना मेन एम या पर्पज है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। तो जस्ट टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट्स और प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन
हमको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि दो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स होने चाहिए हमारे पास। जैसे अभी हमने ए और बी दो पेरेंट्स लिए थे, ए में एक सुपीरियर कैरेक्टर था कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, बी में एक सुपीरियर कैरेक्टर था कि उसकी डिजीज रेजिस्टिंग पावर ज्यादा थी। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्विंग इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज इटसेल्फ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। द मीन इज दैट पेरेंटल सिलेक्शन, ये स्टेप जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से पेरेंट को चूज करें। जैसे कि अभी हमने ए और बी दो पेरेंट्स को चूज किया था, ए की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, ये इसका सुपीरियर कैरेक्टर था, बी की डिजीज रेजिस्टिंग पावर बहुत हाई थी, वो उसका सुपीरियर कैरेक्टर था। तो हमको दो पेरेंट्स जो चूज करने हैं वो अपने ट्रेट या कैरेक्टर के लिए क्या होने चाहिए, सुपीरियर होने चाहिए, ये बात आपको इंश्योर करनी है। तो मेंडल ने भी यही किया था, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से इसको रिवाइज करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। मेंडल जब अपने लॉज या अपने पोस्टुलेट्स दे रहे थे तो अपने डिफरेंट क्रॉसेस में उन्होंने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था पेरेंटल सिलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि हमको सुपीरियर करेक्टर या ट्रेट वाले पेरेंट क्या करने हैं, चूज करने हैं यहाँ पे। लेकिन मेंडल जो थे वो प्योर करेक्टर यानी प्योर पेरेंट को चूज कर रहे थे। प्योर का मतलब क्या होता है हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स में, लेकिन अभी हम ये समझ पा रहे हैं कि जो पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि जो पेरेंटल सिलेक्शन वाला स्टेप है, इसमें हमको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि दो ऐसे पेरेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे जिनकी या जो अपने ट्रेट या करेक्टर के लिए क्या है, सुपीरियर है। जैसे कि हमने मान लो ये दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं, पेरेंट्स का मतलब हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है फ्लावर्स पे, और फ्लावर्स में भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। सपोज कि हमने एक प्लांट चूज किया ये ए वेराइटी, और हमने आपको बताया कि ए जो है ये क्या है, फीमेल है, और इसमें सुपीरियर करेक्टर क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। इसी तरीके से सपोज ये एक प्लांट है, प्लांट बी वैरायटी जो अभी हमने इधर लिखा था, और इसको हमने बोला था कि ये क्या है, मेल प्लांट है, और इसका सुपीरियर कैरेक्टर क्या था, हमने आपको बताया कि ये डिजीज रेजिस्टिव है, यानी कि इसके डिजीज रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। तो एक हमने फीमेल एक हमने मेल, ये ए और बी दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए, और इस स्टेप को हमने क्या बोला, पेरेंटल सिलेक्शन। और पेरेंटल सिलेक्शन में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पेरेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपने ट्रेट्स या कैरेक्टर्स के लिए क्या होने चाहिए, सुपीरियर होने चाहिए। एंड नाउ व्हाट वी वांटेड दैट कि ये पर्टिकुलर जो गैमेट्स या गैमेटोफाइट्स हैं, वही सिर्फ इसके स्टिग्मा पे लैंड करें। लेकिन ये भी हमको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बात हम लोग सीख चुके हैं जस्ट इसके पीछे वाली हेडिंग में। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ पे पेरेंटल सिलेक्शन उतना ज्यादा आसान काम नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स हम चूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें जो फ्लावर्स हो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, या फिर वो पेरेंट इटसेल्फ क्या हो, मोनोइसियस हो, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। तो ये जो हम फीमेल यानी कि ये जो हम लोग फीमेल पेरेंट बना रहे हैं या चूज कर रहे हैं, और ये जो मेल पेरेंट चूज कर रहे हैं, इसमें हमको ये कंडीशन मिल सकती है कि दो में से एक या दोनों ही क्या हो, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो फीमेल है इसकी सुपीरियरिटी क्या है कि हाई प्रोडक्टिविटी है और इसमें डिजीज रेजिस्टिंग जीन नहीं है, जबकि वो जीन इस वैरायटी में है, यानी कि इसमें डिजीज रेजिस्टिंग पावर क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसके पास एक सुपीरियर कैरेक्टर है कि इसकी डिजीज रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फ्लावर में इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ पे ना आए, अदरवाइज जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के जैसा होगा, तो आर्टिफिशियल या
हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस सुपीरियर प्लांट से जिसमें कि मेल है और इसके पास डिजीज रेजिस्टिविटी है, मैं चाहता हूँ कि इसके पॉलन ग्रेन्स इस पे प्लांट करें या इसके स्टिग्मा पे आकर के डिपॉजिट हों। तो हमें क्या करना है कि इसके इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को यहाँ आने से रोकना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको काट करके इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। एंथर को हम कट करके क्या करें, जितने भी एंथर्स हैं इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो जो फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर है या जो फीमेल पेरेंट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी में पॉलिनेशन ना हो जाए, ऑटोगैमी ना हो जाए, उसी के पॉलन उसी के स्टिग्मा पे ना लैंड कर जाए, इस बात को अवॉइड करने के लिए हम उसके उस बाइसेक्सुअल यानी फीमेल पेरेंट के बाइसेक्सुअल फ्लावर के सारे एंथर को कट करके रिमूव कर देंगे। लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखना है कि बिफोर मैच्योरेशन, अगर मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन का, अगर सेडिंग हो जाएगी, पॉलन ग्रेन शेड कर जाए, या ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एंथर का डेसेंस हो गया तो हमें हटाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बड स्टेज में ही बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंथर को कट करके रिमूव कर देते हैं। और इस रिमूवल ऑफ एंथर इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर द मैच्योरेशन इन बड स्टेज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ईमास्कुलेशन, इसको हम लोग बोलेंगे ईमास्कुलेशन। तो ईमास्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बिफोर इट्स मैच्योरेशन या फ्लोरल बड स्टेज में ही कट करके इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर इसी बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर से क्या बोला जाएगा, इमास्कुलेशन। तो इसको कट करके हमने हटा दिया। अब ये जो फीमेल रिसेप्टिव सरफेस है इस पे, इसी प्लांट में और भी फ्लावर्स होंगे या फिर किसी दूसरे प्लांट के जो हमारा डिजायर्ड प्लांट नहीं है वहां से पॉलिन आकर के डिपॉजिट हो सकता है इस फीमेल रिसेप्टिव सरफेस पे। तो इस अनडिजायरेबल पॉलिन ग्रेन के कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, इसके कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फीमेल रिसेप्टिव सरफेस को कवर कर देंगे। यानी हम ये कर रहे हैं कि इस फीमेल रिसेप्टिव सरफेस को एक सुटेबल साइज के बैग की हेल्प से क्या कर दे रहे हैं, इस तरीके से पैक कर दे रहे हैं। और इस बैग की हेल्प से इसको ढक देने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। इसको हम लोग बोलेंगे बैगिंग। तो बैगिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग फीमेल रिसेप्टिव सरफेस स्टिग्मा को इसके मैच्योरेशन से पहले ही, जब ये रिसेप्टिव ना हुई हो तभी, एक सुटेबल साइज के बैग की हेल्प से क्या कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड और जस्ट टू प्रिवेंट कंटामिनेशन विद अनवांटेड अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स। अनवांटेड या अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स आकर के इस पर लैंड ना कर जाएं, इस बात से बचने के लिए या इसको रोकने के लिए हम एक सुटेबल साइज के बैग से इसको पैक कर दे रहे हैं, इसके फीमेल रिसेप्टिव सरफेस स्टिग्मा को, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैगिंग। और बैगिंग में हम लोग यूज करते हैं, ये जो बैग है ये बना होना चाहिए बटर पेपर का, ये बटर पेपर का बना होगा, ये बना होगा किसका, बटर पेपर का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बैगिंग है, बैगिंग में हम लोग यूज करते हैं बटर पेपर का। तो तीन स्टेप्स हमने पढ़े, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब जब ये फीमेल रिसेप्टिव सरफेस जो है, ये जो स्टिग्मा है, जब मैच्योर हो जाएगी, जब रिसेप्टिव हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, इस बैग को यहां से केयरफुली रिमूव करेंगे, हटाएंगे इस बैग को यहां से केयरफुली रिमूव करेंगे। और इस डिजायरेबल सोर्स से, ये जो हमारा डिजायरेबल पॉलन है, ये जो डिजायरेबल पॉलन है जिसमें हाई डिजीज रेजिस्टिविटी वाली जीन्स प्रेजेंट है, इनको हम लोग इस पे ले आकर के स्प्रिंकल कर देंगे या डिपॉजिट कर देंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलिंग और डस्टिंग ऑफ
ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ डिजायरेबल सोर्स। तो इस मेल फ्लावर से एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ले आकर के हम क्या कर देंगे, इस फीमेल रिसेप्टिव सरफेस स्टिग्मा पे स्प्रिंकल कर देंगे या डिपॉजिट कर देंगे। अब जब यहाँ के डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हमने ले आकर के यहाँ पर डिपॉजिट करा दिए जो मैं चाहता था, अब फिर से वही चांस आ सकता है क्योंकि ये फीमेल जो स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है पॉलन ग्रेन्स के लिए पॉलिनेशन के लिए, तो इस पे इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से या किसी और अनडिजायरेबल सोर्स से आकर के फिर से पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो सकते हैं अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे आफ्टर द स्प्रिंकलिंग ऑफ डिजायरेबल पॉलन, तो फिर से वो इसको क्या कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं, फिर से इसको स्पॉइल कर सकते हैं, हमारी मेहनत सारी खराब चली जाएगी। तो इस डिजायर्ड पॉलन को यहाँ पे ले आकर के स्प्रिंकल करने के बाद, यानी कि ये जो डिजायर्ड या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को अचीव करने के बाद हम वापस से इसको क्या कर देंगे, बैग्ड कर देंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर। और दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रीबैगिंग, इसको हम लोग बोलेंगे रीबैगिंग। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लावर को रीबैग्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अगेन यूजिंग बटर पेपर। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीबैगिंग। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीबैगिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे कोई अनडिजायरेबल सोर्स से पॉलन ग्रेन आकर के इसको कंटेमिनेट भी नहीं कर सकता, हमने रीबैग कर दिया। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट और इसके अंदर फीमेल गैमेट। ये जो पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर मेल गैमेट है, और ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और ये यहाँ से एंटर करेगा, और ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूजन की हेल्प से बनेगा यहाँ पे जाइगोट, और जब जाइगोट बनेगा और जाइगोट इवेंचुअली कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में, तो उस टाइम पे ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। तो अब हम इस सीड को बोलेंगे हाइब्रिड सीड, और इस हाइब्रिड सीड का यूज करके हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, जिसकी डिजीज रेजिस्टिंग पावर भी क्या होगी, हाई होगी, यानी ओवरऑल ये मोर प्रोडक्टिव या कह सकते हैं सुपीरियर प्लांट होगा, या कह सकते हैं ये हाइब्रिड प्लांट होगा। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यही मेन एम या पर्पज है, जस्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स और हाइब्रिड प्लांट्स, और मोर सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट्स, इवन इंटर स्पेसिफिक, और दे कैन इंटर जेनेरिक ऑल्सो, ये इंटर जेनेरिक भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व हो रही हैं किसमें, स्टेप्स है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। ये जो इमैस्कुलेशन की प्रोसेस है, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि इमैस्कुलेशन हम तब करेंगे जब ये एंथर हो किसी फ्लावर में। और पहली चीज तो इमैस्कुलेशन जो है इसको हम लोग करते हैं फीमेल पेरेंट में, और फीमेल पेरेंट तब जब वो बाईसेक्सुअल हो, तो उसमें हम इस मेल पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम लोग इमैस्कुलेशन करेंगे किसमें, बाईसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में। अगर फीमेल पेरेंट जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, देन देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। यहाँ पे इमैस्कुलेशन का, व्हेन फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देन देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। यहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा डायरेक्ट इसके फीमेल पार्ट को या स्टिग्मा को बैग्ड कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैगिंग विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर। जब ये रिसेप्टिव हो जाएगी तो इसमें डिजायरेबल सोर्स से पॉलन ग्रेन को ले आकर के स्प्रिंकल कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, वापस से रीबैग कर देंगे, और इसको अलाउ करेंगे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के लिए। तो बैगिंग तब जरूरी है
बैगिंग तो हमेशा जरूरी है, लेकिन इमैस्कुलेशन तब जरूरी है जब फीमेल पेरेंट बाईसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रही हो। तो इमैस्कुलेशन इटसेल्फ क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाईसेक्सुअल फीमेल पेरेंट और फीमेल फ्लावर। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ वो क्या है, पिस्टिलेट है, फीमेल फ्लावर है, तो उसमें हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, तो वहां पे इमैस्कुलेशन का कोई पर्टिकुलर रोल नहीं रह जाता है। वहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग, डीबैगिंग, रीबैगिंग। बैगिंग का मतलब बैगिंग करेंगे, जब रिसेप्टिव हो जाएगी तो बैग को हटाएंगे, डीबैगिंग, और फिर उस पर पॉलन ग्रेन, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद वापस से बैगिंग करेंगे, दैट इज रीबैगिंग। तो इन्वॉल्व जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पैरेंटल सेलेक्शन, हम इन दोनों पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, पैरेंटल सेलेक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फीमेल बाइसेक्सुअल पेरेंट, जो फीमेल पेरेंट है अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूसर, फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप या सबसे फर्स्ट स्टेप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मेल और फीमेल दो पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर फीमेल पेरेंट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें से हम एंथर को कट करके रिमूव कर देंगे बिफोर द मैचुरेशन, और रिमूवल को बोलेंगे इमैस्कुलेशन, दैट इज द सेकंड स्टेप इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसेप्टिव होने से पहले ही, रिसेप्टिव होने से पहले ही इसको क्या करेंगे, बैग करेंगे, बैग्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बैगिंग। जब ये रिसेप्टिव हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो बैग को हटाएंगे, एक दूसरी या कह सकते हैं कि ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे आएगी, दैट इज डी बैगिंग, जब इसको हम हटाएंगे तो डी बैगिंग बोलेंगे। फिफ्थ स्टेप हो जाएगी यहाँ पे स्प्रिंकलिंग या डस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पॉलन ग्रेन। छठी स्टेप हो जाएगी इसका दोबारा से बैग करना, दैट इज रीबैगिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, पेरेंटल सिलेक्शन, इमास्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, स्प्रिंकलिंग ऑफ या डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलिन, या इसी स्टेप को हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल डिजायर्ड पॉलिनेशन, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने चॉइस के बेसिस पे, अपने डिजायर के बेसिस पे, इस डिजायरेबल सोर्स से इस डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को यहाँ पे शेड करा रहे हैं या फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल बोलते हैं पॉलिनेशन। और अगर हम खुद करा रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन की हेल्प से करा रहे हैं तो इसी को हम लोग, या डस्टिंग या स्प्रिंकलिंग ऑफ पॉलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजायर्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको रीबैग्ड कर देंगे। तो पैरेंटल सिलेक्शन, इमास्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, स्प्रिंकलिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलिन और आर्टिफिशियल डिजायर्ड पॉलिनेशन, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे रीबैगिंग। तो ये इंपॉर्टेंट छह स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्विंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, कि ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं आपस में कैसे फ्यूज होते हैं या फर्टिलाइज होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों को ही मिला के बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन।